ये पूरा गाना हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें एक दूसरा धड़ा भी है जो कहता है कि होली कैसे खेलें अभी। तो त्योहार से पहले जो नतीजे होते हैं उसमें बीजेपी ने इतना तय कर लिया है कि जो रंग होगा वो क्या सबसे ज्यादा उड़ेगा गुलाल का। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जफर इस्लाम जी हैं, ओम माथुर जी हैं और प्रेमचंद मिश्र जी हैं, जिनसे हम तीनों से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम सुना दें कि अमित शाह ने क्या क्या बातें मुख्य तौर पर कही हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साहवर्धक और आनंदित करने वाले नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और पंजाब में हालांकि हम चुनाव हारे हैं मगर 30% से ज़्यादा वोट हमारे गठबंधन ने प्राप्त किया है। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि जो ऐतिहासिक मैंडेट ये पांचों राज्यों की जनता ने दिया है वो ओम माथुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम जी, बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत शुभकामनाएं जिस तरह की जीत आप लोगों ने हासिल की है। और अब जिस जो जो बातें अमित शाह जी बता रहे हैं उन सब से अब बस लोगों का इंतजार इसी का बढ़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो चेहरा कौन सा होने वाला है भाजपा का। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। और हमारी पार्टी का एक सिस्टम है, हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड और विधायक दल ये तय करेगा चेहरा कौन होगा। पर होली के बाद का इंतजार होगा लगता है। आज तो होली सेफ्रन होली खेलो आप लोग सब, इस समय सारा सेफ्रन होली खेलने का मूड है। रिजल्ट आएंगे शाम तक, इंतजार करिए आप शाम तक। नहीं नहीं, देखिए चेहरे चेहरे जो हमारे सामने हैं अभी उसमें से हर चेहरे से हम पूछते हैं वही कहता है कि नहीं नहीं अभी इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तो समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हो वहां पर उसका मुख्यमंत्री होना न सिर्फ रुतबे के तौर पर नहीं, हम कह रहे हैं जिम्मेदारी के तौर पर बहुत बड़ी चीज, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट आप लोगों को मिला है 324 सीटें अभी जो बीजेपी गठबंधन की दिखाई दे रही है। देखिए पार्टी पार्टी अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छी तरह से समझती है और आप निश्चित मानिए जनता ने जिस तरीके से हमको झोला भर के आशीर्वाद दिया है हम उस जनता की अपेक्षा पे पूरा खरा उतरेंगे और पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री होगा। ओम प्रकाश जी, ये जो आप कह रहे हैं सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनेगी नेता को, तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा? नेता किस तरह का नेता, उस पर जात इश्यू बनेगा कि माने मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का लीडर हो या कोई और क्राइटेरिया होगा, यंग फेस हो या कोई ऐसा कि बहुत ही एक्सपीरियंस नेता हो जिस पर कोई क्रिमिनल एलिगेशंस ना हो? क्योंकि जीत का श्रेय तो आपको दिया जा रहा है तो एक चेहरा तो हम यहां भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुल मिलाकर के आप इसकी चिंता पार्टी को करने दीजिए, पार्टी सारी बातें ध्यान में रख करके निर्णय करेगी। लेकिन रणनीति में कुछ अलग था इस बार जब यूपी में इस तरीके की एक लहर हम देख रहे हैं, जबकि लहर कम से कम जब तक मतदान चल रहा था तब तक वो प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आ रहा था, यानी कि बहुत ही बारीक रणनीति रही होगी। ये आप लोगों का कहना है, हमने तो पहले भी मैंने आपके चैनल को भी कहा है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशल संगठनात्मक नेतृत्व, लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रदेश की आम मतदाता ने इस कुशासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प, ये सारे हम धरती पर घूम रहे जब देख रहे थे,
तो ये कुल मिलाकर के ये सारे फैक्टर इकट्ठे हुए, इसलिए हमको तो पहले से पता था कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने चाह रहे थे। हाँ, कुछ जरूर है, आप लोगों का अलग गणित रहा होगा, आप लोगों के ध्यान में नहीं आई होगी, लेकिन मैं तो पिछले 2 महीने से प्रत्येक चैनल पे मैंने ये बात कही है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। माथुर जी, मैं अंशुमान हूँ, आपको बधाई बहुत बहुत इस जीत की। मुझे मालूम है कि आप ये कह रहे थे, आपने चर्चा में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में बहुमत से कम नहीं होगी, आपने मुझसे चर्चा में कहा था। प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का चेहरा स्वाभाविक रूप से आगे, पर उत्तर प्रदेश में दो रणनीतिकार थे भाजपा के, एक आप और एक सुनील बंसल जी। यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने जीत के नायकों को चुनना चाहेगी तो इसका बड़ा श्रेय आप दो लोगों को जाता है। आखिर ऐसा कौन सा एक बड़ा फैक्टर था जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2.5 साल बाद इतना बड़ा जनादेश दोबारा दिया उत्तर प्रदेश में? देखिए, कुल मिलाकर के 2.5 सालों में जो प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं दी है जनता को, आप कल्पना कर सकते हैं, खाली उज्ज्वला योजना से 55 लाख मेरी माताओं को रसोई गैस मिली है, जो कल्पना नहीं कर सकती थी रसोई गैस की। 27 साल से गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना बंद पड़ा था, इसी दोनों पार्टियों के सारे UPA 1 और UPA 2 चला है, इनके क्यों नहीं ध्यान आया कि वो कारखाना शुरू किया जाए। सैकड़ों बच्चे इस पूर्वांचल में एक विचित्र प्रकार के बुखार से कालग्रस्त हो जाते, इन लोगों को क्यों नहीं ध्यान आया? 10 वर्षों तक हमने हमारे कंधे के आधार पर UPA 1 UPA 2 चलाया, क्या वहां कोई एम्स नहीं बन सकता था? हमने ये शुरुआत की। तो जनता का भरोसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में, उनकी नीतियों में, और उनके मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारे बीच मेरी झोपड़ी का, मेरी गांव का एक व्यक्ति आज देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। इसलिए पूरी ताकत से सारे बैरियर तोड़ के, सारे रचनाएं तोड़ के, एक मुस्त होकर के प्रधानमंत्री जी के नाम पर, विकास के नाम पर हमें वोट मिला है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, आपको मैंडेट इतना बड़ा यहाँ की जनता ने दिया है कि आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि विपक्ष फलाना काम नहीं करने दे रहा है, और उसमें विकास की कौन सी प्राथमिकताओं के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं इतने बड़े राज्य में, जब इतनी सारी खामियां आप लोगों ने मंच से गिनाई हैं? नहीं, आप ठीक मानिए, ये कोई बहाना हम नहीं करने वाले। हमने इस बार हमारे घोषणा पत्र को भी संकल्प पत्र नाम दिया है और टाइम बाउंड काम दिया है। आप सरकार बनने दीजिए, उत्तर प्रदेश में छोड़िए काम, पहली कैबिनेट से ही आपको निर्णय होते हुए लगेंगे। लेकिन हर एक काम की एक कल्चर होती है, एक नेचर होती है, एक संवैधानिक व्यवस्था होती है, उसके तहत, लेकिन पहली कैबिनेट से आपको निर्णय होते हुए लगेंगे। और जी माथुर जी, एक नई रणनीति उत्तर प्रदेश में इस बार आपने दिखाई बाहर से प्रत्याशियों को लेने की, और जिस पर काफी विवाद भी रहा पार्टी में आखिरी समय तक, और मुझे लगता है कि वो रणनीति अंततः सफल साबित हुई, और बहुत सारे लोग जो बाहर से चुनाव के एक दिन पहले तक जो लोग पार्टी छोड़कर आए और उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, क्या ये उत्तर प्रदेश के लिए एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजी थी या भारतीय जनता पार्टी अपने आगे के चुनावों में अब अपना कैचमेंट एरिया बढ़ाने के लिए इसे एक नीति के तौर पर अपनाएगी और अपने दरवाजे उस तरह खोलेगी जिसे कभी कांग्रेस के दरवाजे किसी भी पार्टी के लिए खुले रहते थे? नहीं, आपको शायद मैं पुराने मेरे मित्र हो, आपने 90 में मुझे राजस्थान में देखा है जी। राजस्थान में हमने पहली बार सरकार बनाई, जनता दल के साथ बनाई थी, लेकिन हमने साल भर में जनता दल में स्प्लिट जनता दल दी बनाया। तो अच्छे लोग हमारे विचारों से, हमारे कार्यक्रमों से प्रभावित होकर आते तो हम लेते हैं, और पार्टी आखिर इतना बड़ा रूप बनी है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो लोग नहीं जुड़े तो कैसे बनती? और इसलिए हम ऐसे अच्छे लोगों को जोड़ने में, और जो ठीक हमारे साथ चलता रहता आगे। हालांकि वो जो तस्वीरें हम साथ में देख रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा, हमारे मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरह का जश्न मना रहे हैं हमारी इन कैरिकेचर्स में, और पीछे उन कार्यकर्ताओं का चेहरा भी, ये साफ तौर पर बताता है वो माथुर जी कि अभी जो जश्न है बीजेपी के लिए थमने वाला नहीं है जी। माथुर जी, एक सवाल बार बार यहाँ दिल्ली के सर्कल्स में घूम रहा है, हालांकि आपने कहा है कि मुख्यमंत्री चुनने का निर्णय पार्टी पर छोड़ दिया जाए, फिर भी मैं
पूछने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं, क्या नेता दिल्ली से भेजा जाएगा या उत्तर प्रदेश से ही होगा? कम से कम इतना तो संकेत आप हम लोगों के लिए दे सकते हैं। मैंने बताया नहीं, देखिए आप ये चिंता पार्टी को करने दीजिए, अभी जश्न मना दीजिए। आप काय के लिए, इसके लिए अच्छा नेता बढ़िया पार्टी का कार्यकर्ता होगा और वो यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ये निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करेगा। अभी तो हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, बैठने दीजिए हमको, निर्णय करेंगे हम। दिल्ली से भेजे हुए नेता वैसे चुनाव भी लड़ चुके हैं अभी तो लेकिन देखिए ना, जब तक बनेगा नहीं वहां का मुख्यमंत्री का चेहरा, हमें कोई नजर नहीं आएगा, तो मीडिया ही नहीं जो जनता है वो भी बात तो ये जरूर करेगी। अभी तो मोदी जी की रैलीज हुई, मोदी जी का चेहरा रहा सामने, लेकिन लोगों को जानने का में दिलचस्पी जरूर है कि वो किस तरह का चेहरा होगा, किस तरह की उसकी छवि होगी और मुद्दा क्या होगा। उस चेहरे के साथ मुद्दा भी जुड़ जाता है, क्योंकि दो बातें हमेशा होती है। जी नहीं, अधिक आपको आपको अधिकार है ये सारा पूछने का, आप पूछते रहिए ना। हमारा निर्णय तो हम हमारे ढंग से करेंगे ना, आप अपना काम करिए, हम हमारा काम करेंगे, निश्चित रहिए आप। उत्तर प्रदेश को 5 साल में उत्तम प्रदेश बनाएंगे, देश का सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का हमारा संकल्प है, इसलिए आप इसकी चिंता मत करो। अब कुछ काम पार्टी में छोड़ते रखो आप। प्रेमचंद मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या हम उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है उसमें एक खलनायक देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, या फिर आप लोग मंथन की ही बात कीजिएगा, क्या जो राज्य के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने एक नाम लिया है राहुल गांधी का कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की हार हुई है, क्या पार्टी की ये राय है या ये कुछ नेताओं की निजी राय? नाम लिया है राहुल गांधी, ये किसी कांग्रेसी की राय नहीं हो सकती है। अब उत्तर प्रदेश में हार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? पंजाब में हम इतनी शानदार जीत जीते हैं, मणिपुर में और गोवा में हम सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं, तो 5 राज्य में से 3 राज्य में कांग्रेस सफलता की ओर बढ़ी है, तो इस चीज की अनदेखी हम कैसे कर सकते हैं? अब मीडिया में केवल उत्तर प्रदेश की जीत को लेकर दिन भर चल रहा है, लेकिन पंजाब की शानदार जीत पर कांग्रेस के लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं। नहीं, वैसे तो मणिपुर में भी बीजेपी बराबरी पर पहुंच रही है, उसकी भी चर्चा ही होते हैं। नहीं, हम आगे हैं, हम उनसे आगे हैं, हम सरकार बनाने से 2-3 MLA पीछे हैं, और गोवा में भी हम उनसे आगे हैं, और पंजाब में हमने शानदार सफलता पाई है। बीजेपी 2 राज्य से सत्ता से बाहर हो रही है, हम उत्तराखंड से बाहर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम बहुत ही छोटे प्लेयर थे, 27 साल से हम विपक्ष में हैं और कम सीटों पर चुनाव लड़ते थे, और अलायंस में भी हम बहुत छोटे पार्टनर थे। तो जो भी अलायंस हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये दोनों पार्टी के नेता बैठकर तय करेंगे कि क्या कमी रह गई, क्या नहीं हुआ। फौरी तौर पर ये कह सकते हैं कि अलायंस थोड़ा लेट से हुआ और उसका फायदा हम उतना नहीं उठा सके, और जनता ने हमारे गठबंधन को स्वीकार नहीं किया। हम इस पराजय को पूरी विनम्रता से स्वीकार करते हैं, और जनता के बीच में उनके विश्वास को फिर से हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कड़ी परिश्रम और मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को वापस लाएंगे जी। लेकिन जो हार पंजाब में हुई है, जहां बीजेपी की सफाया हो गया है, गोवा में वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं, मणिपुर में सारे दावे उनके धरे रह गए, तो ये क्या है? यह भी तो एक बीजेपी और मोदी जी की पराजय है। जो अभी ओम माथुर जी बड़े नेता हैं, कह रहे थे कि हमारा उज्ज्वला योजना और क्या क्या योजना, तो उन योजनाओं का लाभ पंजाब में बीजेपी को क्यों नहीं मिला, मणिपुर में क्यों नहीं मिला, लेकिन प्रेमचंद जी मैं इतना जरूर माफी के साथ आपसे कहना चाहूंगी कि मुझे मुबारकबाद से शुरुआत करनी चाहिए थी कि आप लोग पंजाब में लौट कर आए हैं, पंजाब में आपकी सरकार बनी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। तो ये चुनावी होली जो है उसमें रंग बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं, इसीलिए हम ये केसरिया होली का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर जफर इस्लाम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जफर इस्लाम जी, उत्तर प्रदेश की जीत, उत्तराखंड की जीत, पंजाब में नकार दिया है जनता ने, गोवा में जो अभी स्थिति आपकी नजर आ रही है उसमें कांग्रेस से आंकड़ा पीछे नजर आ रहा है, परेशान कर रहा है ये? नहीं श्वेता जी, देखिए आप 5 राज्यों में से 4 मान के चलिए हमारी सरकार बनेगी। ये थोड़ा बहुत सेटबैक हम लोगों को है पंजाब में, लेकिन जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था आप मीडिया जगत में, उससे बहुत अच्छा है। 30% वोट्स हमारे लिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ के लोगों ने नाकार दिया। जैसा आपने कहा, 30% वोट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है,
और वो तीन पार्टियां फ्रेम में हो तो बहुत अच्छा अच्छा माना जाता है। ऑफकोर्स ये ट्रांसलेट नहीं हुआ है नंबर ऑफ सीट्स में, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। ये बात भी आप नोट करेंगे कि पंजाब में अगर आप देखिए हिस्टोरिकली हर बार वहाँ पंजाब की जनता एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपॉर्चुनिटी देती है सरकार में रहने के लिए। पिछले 10 सालों से हमारी सरकार थी, हो सकता है थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी जो है फैक्टर यहाँ पर प्ले कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो लोगों का सपोर्ट हमको आज भी बरकरार है, नहीं तो 30% वोट नहीं मिलता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है श्वेता जी ये देखने की कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में जहाँ किसी ने ना तो कोई मीडिया से और ना तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही थी कि हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी और वो आज आप खुद नतीजे आपके सामने हैं। उसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि वहाँ की जनता ने मन बना रखा था कि एक ऐसे पार्टी को सरकार बनाने के लिए देना है जो कि बहुत अच्छी सरकार हो, जो गवर्नेंस में बिलीव करती हो, ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती हो और लोगों के ज़िंदगी में खुशगवार माहौल लाने के लिए ऐसे पॉलिसी डिसीजन लेती है कि एक गरीब आदमी भी अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करे। तो हमारी पूरी नीति इस तरह से है कि गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, यूथ हो, महिलाएं हैं, सब अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेंगे। और आप देखिए जब से जैसा हमारे वरिष्ठ नेता ओम माथुर जी भी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट से हम इस दिशा में डिसीजन लेना शुरू करेंगे और हमारी पॉलिसी डिसीजन का सीधा सीधा फायदा एक आम आदमी को पड़ेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि दो बड़े संकेत आए इस पूरे इलेक्शन में। एक पहला संकेत कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है वो उनको खुद उसकी पार्टी तस्लीम नहीं करेगी एज ए लीडर, और दूसरा है पूरा भारतवर्ष में हर लोग प्रधानमंत्री खास के गरीब किसान मजदूर महिलाएं यूथ वो प्रधानमंत्री को अपना अनडिस्प्यूटेड लीडर मानेंगे बिकॉज़ वही उनसे उम्मीद है कि यही अभी तक नोटबंदी से जुड़ा सवाल होता था, कई बार जनता मोदी मोदी कहने लगती थी, आज तो जीत का जश्न है और ये कार्यकर्ता हैं तो हर तरह के नारे मोदी मोदी के लग रहे हैं।